एवरीवन, हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और फ्रेंड, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ सम्यन माता मंदिर। तो ये जो मंदिर है बहुत ही शांत एरिया में है, ये पड़ता है आपका इलाहाबाद के न्यू कैंट एरिया में। तो इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और न्यू कैंट में ये पड़ता है। बहुत पीसफुल लगता है फ्रेंड यहाँ पे आके, और यहाँ पे हरियाली देखने को मिलती है आपको, ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सुकून लगता है। और जब भी फेस्टिव कुछ होता है, जैसे आज महाशिवरात्रि है, तो मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, या नवरात्रि वगैरह जब होती है तो भी बहुत भीड़ होती है। तो पहले तो यहाँ पे एक छोटी सी मंदिर हुआ करती थी, बट डे बाय डे इसको जो है इसको अपडेट करते रहते हैं लोग, तो अब बहुत खूबसूरत मंदिर बन चुकी है। तो अभी वीडियो में बने रहिएगा, और आगे मैं आपको माता रानी के दर्शन कराने वाली हूँ। फ्रेंड, इसी मंदिर के जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक लेटे हुए हनुमान जी भी हैं। तो इलाहाबाद में जैसे एक हनुमान जी आपका संगम एरिया में पड़ते हैं, जो बहुत ही बड़ी मंदिर है, और एक यहाँ पे भी है। तो अगर मैं कभी उधर साइड जाऊँगी तो उसकी वीडियो भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वो भी बहुत खूबसूरत मंदिर है। फिलहाल अभी मैं आपको सम्यन माता मंदिर के दर्शन कराऊँगी। और मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पर नहीं आए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है अगर जैसे कुछ भी रहता है। तो अभी मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, टाइम हो रहा है 12:45 के बीच का टाइम है, दोपहर का टाइम है, और लोग जो है जा चुके हैं, एक दो लोग ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस टाइम में, या तो शाम के टाइम में भीड़ होती है, ज़्यादातर मॉर्निंग के टाइम में ही फेस्टिवल में यहाँ पे भीड़ रहती है। नवरात्रि में तो यहाँ पे अच्छा खासा जो है भंडारा वगैरह भी चलता है, तो बहुत रौनक देखने को मिलती है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि कितना पीसफुल एरिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे पूजा करने आते हैं, तो यहाँ पे पूजा की कोई भी चीज़ें यहाँ मिलती नहीं है, तो आप बाहर से परचेज़ करके ही आइएगा, क्योंकि मंदिर जहाँ पे है यहाँ आसपास कोई भी दुकान आपको नहीं देखने को मिलेगी। और यहाँ से जैसे ही आप एंटर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा शेर बना हुआ है। तो मंदिर के दोनों साइड में ये जो शेर की मूर्ति है वो बनी हुई है, और ये है एग्जैक्ट मंदिर जिसकी मैं बात कर रही हूँ। क्लीनिंग का काम चल रहा था, और मॉर्निंग में भीड़ थी, बट अभी एकदम सन्नाटा है, आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो इस टाइम पूरा मंदिर जो है क्लीन हो रही थी, और ये मंदिर जो है नीम के पेड़ के नीचे है। तो इस टाइम क्योंकि थोड़ा सा पतझड़ वाला मौसम है, तो पूरा जो मंदिर है उसमें पत्ते हो गए थे पूरे, तो वही क्लीन कर रहे हैं। और ये है मेन मंदिर माता रानी की, तो ये इनका दर्शन बहुत कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी आप नवरात्रि के टाइम में जाएंगे तो इतनी भीड़ रहती है कि अच्छी खासी लाइन रहती है, और बाहर का जो एरिया मैं दिखा रही थी एकदम खाली खाली सा, वो ऐसे देखने को नहीं मिलता है। और वहाँ पे भंडारा वगैरह जब चलता है तो बहुत भीड़ रहती है, तो ये अभी एकदम खाली है, इसलिए मैं दिन में आई थी ताकि अच्छे से वीडियो शूट हो सके और आप सब देख सकें। तो ये है मेन मंदिर, और साइड साइड में जो आपने मूर्तियाँ देखी वो अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। और मंदिर के फ्रंट में इस तरह से ढेर सारे जो है पीतल के घंटे लगे हुए हैं। तो फ्रंट
फ्रेंड आज की जो वीडियो है मैं यहीं ख़त्म करूँगी। होप सो कि आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।